आज दोपहर का खाना जो है मेरा ये बनने वाला है, बाजरे की रोटी और आलू गोभी की सब्जी और ये पत्ता गोभी का सलाद और बथुए का रायता और हरी मिर्च का अचार। ये दोपहर का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे भी आजकल आलू गोभी का सीजन जाने वाला है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही है तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो गर्मी वाला खाना आ जाएगा, इसलिए बथुआ हुआ, गोभी हुई, गाजर हुई, जितना खाया जा सके उतना खा लीजिए। क्योंकि मैं अभी आई थी क्लिनिक से और फिर मैं ये जो बथुआ है वो धो के गई थी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, और फिर मैं अब इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी क्योंकि सबसे पहले रायते के लिए ये बॉईल होगा, फिर ये ठंडा होगा, तब इसमें रायता बनेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तभी इसमें मट्ठा या कुछ मट्ठा दही जो भी आपका मन करे जिस चीज़ का भी रायता वो बना सकते हैं। फिर मैंने निकाल ली है गोभी, क्योंकि गोभी निकाल ली है और आज मुझे ऐसे गोभी बनानी है जैसे फ्राई करके बनाते हैं लेकिन बिना फ्राई, बिना तेल वाली गोभी बनानी है। तो ये तो बहुत बड़ा टास्क होता है, पर कोई नहीं, मेरे पास जो है वो एयर फ्रायर है तो मैं उसमें आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत था कि ऐसे गोभी बन जाती है, पर देखती हूँ वैसे बन पाती है या नहीं। तो मैंने गोभी को बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको मतलब ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं, तो मैंने इसको बारीक ऐसे कट कर लिया है। और ये तो अच्छी बात हो जाएगी कि गोभी भी ऐसे बन जाए जैसे बिल्कुल अलग अलग फ्राई करके बनाते हैं और तेल भी ना लगे, तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। और ट्राई करना कभी भी, बन भी बहुत जल्दी जाती है क्योंकि इतनी जल्दी बन जाती है, एक तरफ जब हम मसाला पकाते हैं इतने दूसरी तरफ गोभी रेडी हो जाती है। तो मैंने गोभी कट कर ली है और फिर मैं अब आलू निकाल के, आलू की बारी है तो गोभी में आलू भी डालते हैं दो तीन, मैंने इसमें यहाँ दो आलू डाले हैं। और मुझे बस एक ही टाइम की सब्ज़ी बनाना पसंद है, नेक्स्ट टाइम नहीं खाई जाती, और फ्रिज में रख के तो कुछ भी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए। और आटा भी कोशिश करो कि साथ ही लगा के उसको बना दिया जाए। तो मैंने इसको गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है क्योंकि ठंड थी, इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी में इसको अच्छे से निकाल के, ये वॉश भी अच्छे से हो जाती है। और फिर मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि साथ साथ क्लीन करते रहते हैं तो किचन इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन अगर क्लीन ना करें तो बाद में बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। इधर ये बथुआ भी मेरा बॉईल हो गया है, अब मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, ये ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और गोभी धुल गई थी मेरी, अब मैं सोची हूँ इसमें एयर फ्रायर में करके देखती हूँ आज पहली बार कैसे बन पाती है बिना ऑयल के। तो मैंने इसमें गोभी के पीस ऐसे डाल दिए, हालांकि मुझे फॉइल पेपर में करके डालने थे, पर मुझे बाद में समझ आया कि यार ये तो ऐसे करके डाला इसमें पानी भी निकल जाएगा, पर कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छी बनी। पर सही भी हुआ मैंने ऐसे करके डाला ताकि नीचे से भी ये जैसे हो जाता ना क्रिस्पी क्रिस्पी भुनी भुनी सी, ऐसी हो गई थी। तो मैंने इसको ऐसे करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया ऊपर से ताकि इनमें अंदर तक नमक चला जाए और ये फिर ऐसा फीकी फीकी ना लगे, मसाले में डले कि ये बाद में, पर फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और मैंने इसमें नीचे ट्रे भी लगा दी ताकि जो पानी निकले उस ट्रे पे ही निकले, बाहर ना निकले। और फिर मैं इसको 175 पे, 170 पे, 170 पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। और हालांकि मैंने इसको 10 मिनट फिर किया, मैंने इसको 20 मिनट किया तो 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छी हो गई थी। तब तक ये होती है, इतने में अपनी और तैयारी कर लेती हूँ। मैं ये काले अंगूर लेके आई थी, इनको भी गर्म पानी में अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि अभी ये धुलने में बहुत अच्छे से धुलने चाहिए, नहीं तो ये बहुत गंद होती है इनके। तो उबलता हुआ पानी डालती हूँ, ये थोड़े से ठंडे से गर्म भी हो जाते हैं और साफ भी अच्छे से धुल जाते हैं। भिगो के थोड़ी देर छोड़ूंगी, फिर इसको निकाल लूँगी पानी में से अच्छे से रगड़ रगड़ के ताकि सारी गंद अच्छे से साफ हो जाए इसमें से। और इतने गोभी बन गई है, इतने हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए
मसाला तैयार करने के लिए तो मैंने यहाँ 4 प्याज लिए हैं, इनको कट कर लेती हूँ। छोंक वाले ही थोड़े से मोटे मोटे भी कट कर सकते हो, बारीक भी, जैसे आपका मन करे छोंक बनाने का। तो ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी बनाने का, तो मैंने इनको प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट किया था। मुझे थोड़े मोटे मोटे प्याज ही अच्छे लगते हैं कटोनी में, ईजिली भी कट हो जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो स्पीड से जो भी काम हो जाए वो ही बेस्ट है बस। तो मैंने इसको साइड में रख देती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें डाल दिया है ऑयल। ज़्यादातर जो खाना होता है वो सरसों के तेल में ही बनाते हैं हम लोग, रिफाइंड का यूज़ नहीं करते कभी भी। या तो देसी घी में बनाओ या फिर सरसों के तेल में बनाओ। तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। तो प्याज को चला के अच्छे से भूनने तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बहुत ही अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तब तक के लिए इसको ऐसे चलाते रहते हैं बार बार। तो चलो इतने प्याज भुना है, इतना मैं सलाद की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम में बहुत सारा सलाद भी, रायता भी और वो चीज़ें हो जाती है ना, सब्जी रोटी, तो खूब सारा काम भी हो जाता है। और 2 बज गए थे अभी के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लूँ। इतने प्याज भूनता है, इतने मैं इनको अच्छे से धो के भी धो के छोड़ दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से साफ हो जाए। दोपहर में सैलेड खाने में बहुत मज़ा आता है, हालांकि रात में नहीं खाते हम लोग सैलेड ज़्यादा, लेकिन दोपहर में जो भी मिल जाए सैलेड में वो ही खा लेते हैं। और ये पत्ता गोभी का सैलेड तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इनको भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक कि देखा कि मेरा प्याज भी भून गया। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, थोड़े टमाटर कट किए थे मैंने। तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम मसाले, कम से कम चीज़ें ऐड करूँ। तो मैंने इसमें नमक, धनिया और लाल मिर्च और मसाला और कलर वाली मिर्च डाल के मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा भूना, भून के, ताकि इनका ग्रेवी का कलर अच्छे से निकल जाए और प्याज भी गल जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाए। वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि पीसते ही है, लेकिन मैं पीसने के बजाय इनको ऐसे ही गलाना पसंद करती हूँ। इनको अच्छे से भूनने के बाद मसाले में जब निकल जाए कि ऑयल निकलने लगा है, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि ढकने के बाद ना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और मसाला भी अच्छे से तेल छोड़ देता है। और बीच बीच में चलाते रहती हूँ ताकि नीचे ना लगे। और भून इसको मसाले को अच्छे से भून जाए तभी टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें दही डालती हूँ। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ ज़्यादातर 1 चम्मच दही ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक ग्रेवी जो होती है वो अपना कलर भी छोड़ देती है दही डालने के बाद। बहुत से लोग मलाई क्रीम डालते हैं, पर मैं नहीं, मैं बस सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच दही ऐड करती हूँ। और ये देखो अच्छे से भून गया है मसाला, और टाइम भी नहीं लगा, बस मसाला बनाया, एक तरफ गोभी बन रही है तो ना फिर से फ्राई करना, ना ज़्यादा तेल लगाना, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई है मेरे लिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फिर से ढक कर लगा के रख देती हूँ। इतने देखती हूँ कि हमारी गोभी के क्या हाल है। और मैंने ये गोभी निकाली और वाह, ये तो बड़ी अच्छे से भुन गई है, और देखो ऊपर से भी ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। मैंने चेक किया, आलू की गले नहीं गले, ये आलू भी गल गए थे बहुत ही अच्छे से। तो ये मेरा इधर मसाला भी रेडी हो गया, और मैंने इसमें इन गोभियों को डाल दिया है। अंदर तक गली हुई थी गोभी, बस इसे थोड़ा सा ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रखना था, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए इन गोभियों में। और देखो बिल्कुल ऐसी बनी है अलग अलग गोभी, जैसे फ्राई करके गोभी नहीं बनाते हम, बहुत सारा तेल यूज होता है फ्राई करने में, गोभी फ्राई करके, और तब अलग अलग ऐसे बनती है। लेकिन ये तो बिना ऑयल यूज के इतनी अच्छी गोभी बन गई, मज़ा ही आ गया। तो ऐसा लगता है कि फ्राई करके ही बनाए हैं। तो मेरा ये बथुआ भी ठंडा हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा रगड़ के पीस लेती हूँ, ताकि ये मोटा मोटा मुँह में ना आए। हालांकि दही डाल के भी पीसेगा, पर फिर भी पहले एक बार ऐसे ही रगड़ लिया मैंने इसको अच्छे से, फिर मैं इसमें दही ऐड करती हूँ।
और हमें दही से ज़्यादा मट्ठा पीना ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसका मट्ठा बना लेती हूँ। मट्ठे वाला रायता भी अच्छा लगता है, और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इसका मट्ठा भी बन गया और ये रायता भी रेडी हो गया। अब इस रायते में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि काला नमक, थोड़ी सी मिर्च और वैसा सिंपल नमक और पुदीना। खासकर जो मैं इसमें यूज करती हूँ वो सूखा हुआ पुदीना, मैं गांव से लेके आई थी सूखा हुआ पुदीना, मम्मी ने दिया था सूखा के। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे अलग टेस्ट होता है इसका, और हमेशा मट्ठा में पुदीना डल के ही मट्ठे का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने ये रायता तो रेडी हो गया, पर इसमें छूं करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंपी है, पता नहीं कौन कौन यूज करता है, लेकिन मैं तो हमेशा रायते में यही यूज करती हूँ। इसको अच्छे से गर्म होने तक छोड़ देती हूँ, जब ये अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ। घी ऐड करने के बाद ये जब लगे कि घी भी अच्छे से ऐड हो गया, गर्म हो गया बिल्कुल लाल, फिर इसमें जीरा और सरसों, जो मोटे वाली सरसों होती हैं, जो मोटे वाली सरसों होती है वो ऐड करके इसमें देखो अच्छे से भून जाता है, आग भी लग जाती है। कभी कभी तो बहुत अच्छे से आग लगती है, धुआं निकलता है बहुत, और ऐसा लगता है कि जैसे गांव में कभी कभी गांव में वो चूल्हे पे धुआं लगाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा खाना रेडी है, आलू गोभी और बाजरे की रोटी, और सब देख के बताओ कैसी लग रही है मेरी आलू गोभी। और ये मेरा सैलेड रेडी है, पत्ता गोभी का और हरी मिर्च का अचार, दोपहर का लंच।